आपने डिज्नीलैंड के द पायरेट्स ऑफ कैरेबियन राइड के बारे में सुना होगा, जो दुनिया के मोस्ट अट्रैक्टिव थीम पार्क्स में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसे बनाने के लिए इंसानों के असली स्केलेटन्स का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल पायरेट्स ऑफ कैरेबियन थीम राइड को 1967 में वॉल्ट डिज्नी के सुपरविजन में डिज्नीलैंड के मैनेजर्स यानी के इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया था। इसे बनाने के लिए उस समय $15 मिलियन खर्च किए गए थे, जो आज के समय में $106 मिलियन से भी ज़्यादा है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, जिसके कारण डिज्नीलैंड के इमेजिनर्स के सामने कई सारी दिक्कतें थी। उनमें से एक दिक्कत यह थी कि रियलिस्टिक दिखने वाले स्केलेटन्स कैसे बनाएं। इस समय समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस मेडिकल सेंटर को अप्रोच किया और वहाँ के एनाटॉमी डिपार्टमेंट से उन्हें इंसानों के असली स्केलेटन्स मिल गए, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसा थीम पार्क बना दिया जो किसी हॉलीवुड पायरेट्स मूवी के सेट से भी ज़्यादा रियलिस्टिक और हॉरिबल है। जब समय के साथ फेक स्केलेटन्स की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, तभी न्यू जनरेशन के इमेजिनर्स ने इंसानों के उन असली स्केलेटन्स को फेक स्केलेटन्स के साथ रिप्लेस कर दिया और उन असली स्केलेटन्स को उनकी कंट्रीज में वापस भेज दिया, जहां उन्हें प्रॉपर ब्यूरल भी दिया गया। डिज्नीलैंड के ऑफिशियल्स का कहना है कि अब डिज्नीलैंड में असली स्केलेटन्स नहीं है, लेकिन जेसन पेट्रस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक डिज्नीलैंड के पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में अब भी 3 असली डेड बॉडीज के स्केलेटन्स मौजूद हैं। फर्स्ट ये स्कल जो पार्क के एक छोटे से आइसलैंड पर आप देख सकते हैं, सेकेंड रिब केज जो उसी आइसलैंड पर मौजूद है, और भी कई बोन्स मौजूद है इस आइलैंड पर जो 100% रियल बोन्स है। तीसरा स्केलेटन पार्क के एंड में जेल सीन में आप देख सकते हैं। दोस्तों, क्या आज से पहले आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जब भी डिज्नीलैंड जाएंगे तो इन तीनों डेड बॉडीज को जरूर करें।